नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुवरेश शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, आज रोज नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में ओम शांति हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात बड़गांव के विधायक श्री जुग्नेश भाई मेवाड़ी शामिल हुए। इस मुलाकात दौरान उनके साथ प्रफुल्ल भाई वासवा खास उपस्थित रहे और गड़ेरेश्वर तहसील के आदिवासी समाज के लोगों की मुलाकात ली और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस मुलाकात के दौरान बड़गांव के विधायक श्री जिग्नेश भाई मेवाणी ने हमारे संवाददाता गौतम व्यास से की विशेष बातचीत। दो गुजराती सरफिरे 24 घंटा जिनके दिल में कुछ खुराफात चलती रहती, जिनके दिमाग में उनको ये सूझा है आदिवासी समुदाय की छाती पर उनकी मर्जी के खिलाफ बिना उनको कंसल्ट किए, बिना उनको पूछे, बिना उनकी मर्जी जाने अचानक एक दिन मोदी साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू आदिवासी समुदाय चाहेगा कि जयपाल सिंह मुंडा या बिरसा मुंडा साहब का स्टैचू, चलिए सरदार पटेल साहब का स्टैचू बन भी गया, नो इश्यू। अब उस स्टैचू के बहाने जो गुजराती में कहावत है, आप उंगली मांगो तो हाथ खींचे, उसी तर्ज पर पहले छोटी मोटी जमीन ली, अब धीरे धीरे कर कर डेवलपमेंट और टूरिज्म के नाम पे 70 से ज़्यादा गांव की जमीन छीनने का पूरा एक षड्यंत्र। फिर वहाँ पर न पैसा लागू होगा, न फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू होगा, न पांचवी अनुसूची लागू होगी। तो जो संविधान ने जो अधिकार आदिवासी को दिए थे उसमें से कोई भी मौलिक अधिकार उनका बचेगा। और टूरिज्म और डेवलपमेंट के नाम पर पूरे गुजरात में हम लोगों ने देखा है केवल एक चीज़ चलती है, जो मोदी अमित शाह ने तय किया वही विकास, मतलब वी द पीपल। इस मुल्क की जनता जो कहे उससे उनको कोई सरोकार नहीं। तो पहले यहाँ पर जो शांति और सौहार्द का माहौल था वो दोबारा लौटे और सरकार अपनी खुराफात छोड़ दे, उस मकसद से आज अभी एक शांति हवन का आयोजन किया गया है जिसमें मैं शामिल होने के लिए आया हूँ। ये भी जो बिल जो पारित हुआ है वो टूरिज्म और डेवलपमेंट के नाम पे पूरे आदिवासी समुदाय को यहाँ से उजाड़ने का, 60-70 गाँव में से विस्थापित करने का। पहले जो विकास के दूसरे प्रोजेक्ट्स में आदिवासी विस्थापित हुआ है उनका तो रिहेबिलिटेशन सरकार कर नहीं पाई, उससे मानो कि उनका पेट संतुष्ट नहीं हुआ, उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं थी, और 70 गाँव को उजाड़ने के लिए हम लोग सारे लोग साथ में मिलकर आज ये अपील करने वाली सरकार को अपनी खुराफात छोड़िए और सदैव यहाँ पर जो शांति रही थी वो दोबारा पुनर्स्थापित। सर, सरकार ने कहा था कि यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो यहाँ पर स्थानीय को रोजगारी दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर स्थानीय के लिए रोजगारी का बहुत ही बड़ा प्रश्न है, तो उसके बारे में ये विकास के नाम पर विनाश है। विनाश का इतना फालतू मॉडल पूरे भारत में कहीं नहीं है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल आज हमारे बीच में होते तो कतई ही इस प्रकार के विकास को मंजूर नहीं करते। अब जब आप विकास के नाम पर विनाश करते, जी मेरे आंखों के सामने जो जमीन थी यहाँ पर बढ़िया फसल होती, सब्जियाँ लगती थी 8 महीने, यही कि यहाँ की जनता ने बताया, हम तो पहली बार आ रहे, तो उनका तो लाइवलीहुड चला गया, उनकी आजीवा की तो छीन गया आपने। और रही बात लाइवलीहुड की, तो नरेगा आप चालू करो ना, सरकारी नौकरियों में भर्ती करो, 50 तरीके हैं रोजगार खड़े करने के। आदिवासी की छाती पर उसकी मर्जी के खिलाफ स्टैचू बनाकर अगल बगल के 70 गांव की जमीन छीनना और फिर कहना कि हम विकास कर रहे हैं, फिर कहना कि हम रोजगार दे रहे हैं, बेवकूफ समझ के रखा है। तो ये मोदी और अमित शाह के दिमाग की खुराफत के अलावा कुछ नहीं। इस देश का आदिवासी, गुजरात का आदिवासी, केवड़िया और नर्मदा का आदिवासी इस कृत्य के लिए इस सरकार को अंतिम सांस तक जीवन काल में कभी माफ नहीं करेगा। हम नहीं ले पाए सरदार से बदला तो हमारी आने वाली पीढ़ी लेगी, लेकिन लेगी जरूर। तो ये थे हमारे बड़गाम के विधायक श्री जिग्नेश मेवाणी सर। इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।